क्या आपने कभी देखा है इंडिया का सबसे महंगा पीवीआर? जी हाँ, जहाँ पर ब्लैंकेट्स मिलते हैं लाइक अ प्लेन, जैसे कि हम प्लेन में बैठते हैं। तो चलो पहले वीडियो करते हैं स्टार्ट और मैं बताती हूँ आज मैं कौन से पीवीआर में गई। तो ये पहली बार नहीं है जब मैं इस पीवीआर में आई हूँ, ये है सेकेंड टाइम। जी हाँ, मैं आई थी एम्बियंस मॉल में जो कि है वसंत कुंज में। यहाँ पर मैं आई थी मूवी देखने के लिए जिसकी बहुत चर्चाएं चल रही हैं, जिसका नाम है जवान। शाहरुख खान के जवान देखने के लिए हम सब लोग आए थे और आप देख सकते हो कि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसलिए हम भागा दौड़ी कर रहे थे। खैर, ये वाला पीवीआर सबसे बेस्ट है इंडिया का। इसको इंडिया का बेस्ट और एक्सपेंसिव पीवीआर बोला जाता है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 1100 रुपए से है। क्योंकि आज ट्यूजडे था इसलिए हमें थोड़ा सा सस्ता मिला, लाइक 1100 की एक टिकट मिली। हम सब अपनी टीम के साथ आए थे, मतलब 7 लोग हम आए थे और हम लोग देखने वाले थे जवान मूवी। हर चीज मैं आपको इस पीवीआर के दिखाऊंगी कि क्यों है ये इतना ग्रैंड और इतना बड़ा पीवीआर, क्यों लोगों को ये ज्यादा पसंद आता है। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचे और हमने लिए पॉपकॉर्न, वो भी बहुत सारे। मेरी ट्रिक हमेशा यही रहती है जैसे आइसक्रीम पर रहती है, जब भी मैं आइसक्रीम खाने जाती हूँ तो मैं यही करती हूँ, बहुत सारी चीजें टेस्ट करती हूँ उसके बाद एक लेती हूँ। यहाँ पर भी मैंने वही किया, आप देख सकते हो मैंने काफी सारे पॉपकॉर्न यहाँ पर ले लिए थे और सबको खिला रही थी। खैर, हमें पॉपकॉर्न खरीदने थे 7 के 7 क्योंकि हम 7 लोग थे, लेकिन मुझे ये करना अच्छा लगता है क्योंकि हर टेस्ट का पॉपकॉर्न मुझे पता होना चाहिए, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। हम लोग थे एंड टाइम और मुझे लग रहा था हम लोग लेट हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग पहुंच गए थे टाइम पर। और देखो, इसकी सीट इतनी कंफर्टेबल होती है जैसे कि एक फ्लाइट में होती है, मगर सच बताऊं तो बहुत मजा आता है। जिसकी बैक में प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आके एंजॉय कर सकता है। मेरे बैक में बहुत प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए मैं इस पीवीआर में आना पसंद करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, आराम से लेट कर हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें प्रोवाइड होते हैं वेट टिश्यूज, ब्लैंकेट, पिलो, पानी की बॉटल। तो यहाँ पर हमारे पॉपकॉर्न आ गए थे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इनकी सर्विस बहुत ढीली है, इस टाइम भी सेम यही हाल था। हमने इनको जल्दी सर्विस के लिए बोला और इन्होंने हमें बासी पॉपकॉर्न लिया है, ऐसा लग रहा था 3-4 पुराने पॉपकॉर्न है। तो मैंने इमीडिएटली ये पॉपकॉर्न चेंज करवा दिए, ज्यादा खाया नहीं था उसमें से, तुरंत चेंज करवा दिया था। और मूवी हमारी स्टार्ट होने ही वाली थी, उससे पहले मैंने पॉपकॉर्न चेंज करा दिया ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हमने पॉपकॉर्न आधे खा लिए हैं। खैर, पॉपकॉर्न चेंज हो गए थे और उसके बाद आ गया था थोड़ा सा खाना। यहाँ पर हर चीज बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि ये पीवीआर बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए यहाँ पर हर एक चीज बहुत महंगी महंगी है। जैसा कि आप ये पिज्जा ही ले लो, ये रोल ले लो, इनका प्राइस ही 800 से 11,000 रुपए के अराउंड है। हमने 2 चीज ऑर्डर करी थी क्योंकि लखन लंच कर नहीं आए थे, बाकी हम सब ने लंच किया था इसलिए हमने कुछ नहीं लिया। इंटरवल हो चुका था, हम बाहर निकल गए थे और मैं सोच रही थी यहाँ पर भी थोड़ी रिकॉर्डिंग करूँ और आपको दिखाऊँ बाहर का थोड़ा एरिया। तो आप देख सकते हो वॉशरूम कितना नीट एंड क्लीन है, मुझे इसका वॉशरूम का इंटीरियर बहुत अच्छा लगता है। और सेकेंड, हमारा ऑडी 1 था और ऑडी 2 में सेम जवान मूवी चल रही थी जिसकी स्टार्टिंग ही थी। हम लोग चले गए अंदर और थोड़ा सा फन किया और बाहर आ गए क्योंकि हमने स्टार्टिंग देख ली थी, हमारा इंटरवल हो गया था। अगर यहाँ पर कोई दूसरी मूवी लग रही होती ना, लाइक OMG अगर 2, तो मैं जरूर बैठ जाती उसको देखने के लिए। खैर, हमने वो मूवी देखी और हम निकल गए वहां से बाहर और फिर हम लोग पहुंच गए अपने ऑडी 1 में। जब मेरा एक ब्लैंकेट से बिल्कुल ठंड नहीं रुक रही थी, मैंने ले लिया था दूसरा भी ब्लैंकेट। मेरे भाई ने दूसरा ब्लैंकेट दूसरी सीट से ले लिया था क्योंकि आज ट्यूसडे था तो ज्यादा लोग आए नहीं थे, इसलिए उसने मेरा ब्लैंकेट ले लिया था। हमने 3 चीजें ली थी जिसका बिल आया था 5,500 रुपए। आप देख सकते हो कितना एक्सपेंसिव है ये पीवीआर। आई होप आपको मेरा मिनी ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको भी इस पीवीआर में आना है तो मस्त आराम से आइएगा। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।